डॉक्टर साहब, अगर बात की जाए तो वर्तमान में ये जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है, जो ये मौसम लगातार बदल रहा है, कभी बारिश ठंडा, तो इससे अब हर घर में कहीं ना कहीं लोग डिस्टर्ब है, सर्दी खांसी तमाम जो वायरल चीज़ें हैं इनसे। तो सर मैं चाह रहा था एक शॉर्ट उन लोगों के लिए मैसेज। देखिए, ये जो समय है परिवर्तन का, परिवर्तन में हमेशा जो है आपको बैक्टीरिया वायरस के इन्फेक्शन बढ़ते हैं। तो जब भी आप उस तरफ भी देखें, नॉर्मल जब वेदर चेंज होता है तब भी इन्फेक्शन होते हैं। तो आज जो है इसीलिए जो है आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे आपको जो है कोरोना की केसेस बढ़ रहे हैं। कोरोना एक तरह का इन्फ्लुएंजा ही है, तो ये इन्फ्लुएंजा टाइप के इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ते हैं, वायरस के इन्फेक्शन ज़्यादा बढ़ते हैं। तो इसमें सर्वप्रथम हमको प्रिकॉशन लेना है, बचाव रखना है, अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग करें, अपनी रोग प्रतिरोधक क्षमता को कैसे बढ़ाएं, इस पे ध्यान देना है। सर, जब कोरोना की बात आ रही है तो वर्तमान में सर इस प्रकार के भ्रांतियां चल रही हैं कि कोरोना क्या रिटर्न आ रहा है या क्या प्रिकॉशन लेना होगा। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, कोरोना रिटर्न आ रहा है, कोरोना गया ही कहाँ था कि रिटर्न आएगा। कोरोना बहुत पुरानी बीमारी है, बस केवल अंतर ये आया है कि हम लोग दवाओं का इतना मिसयूज़ किए इस कोरोना ने कि वो अपना बार बार वेरिएंट, अपने सुरक्षा के लिए वेरिएंट को चेंज करता रहा, अपने आप को स्ट्रांग बनाता रहा। ये पुरानी बीमारी है और हमेशा रहा है, जब भी वेदर चेंज हुआ, अगर पहले से भी जांच की जाती रही होती तो आपको मालूम हो जाता कि कितने कोरोना के पेशेंट पहले भी मिलते रहे। सर, अगर बात की जाए होम्योपैथी की, तो आज होम्योपैथिक पे लगातार लोगों का भरोसा बढ़ते जा रहा है और तमाम ऐसे केसेस भी आ रहे हैं जहाँ पे कि लोगों ने एलोपैथिक से पहले होम्योपैथिक को कर रहे हैं। तो क्या ये सब डिजीज़ कोरोना ये सब चीज़ों का भी सर होम्योपैथिक में इलाज हम लोग को मिल सर एकदम है? होम्योपैथिक किसी डिजीज़ का इलाज ही नहीं करते। होम्योपैथिक आपकी एक दूसरे रूपों में कह लीजिए तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता को धीरे धीरे ऐसा इम्प्रूव कर देती है कि कोई भी बैक्टीरिया वायरस आपके शरीर में रह ना पाए, वो बाहर निकले। क्योंकि आप एक साधारण सा उदाहरण ले लीजिए, किसी भी चीज़ को उगने के लिए उसके लिए प्रॉपर जलवायु की ज़रूरत होती है, मिट्टी की ज़रूरत होती है, क्योंकि हर मिट्टी में हर फसल नहीं उगती। तो हमारी शरीर ऐसे कल्चर जब हमारे शरीर में उत्पन्न होते हैं जहाँ वो बैक्टीरिया वायरस पनप सकता है, तभी ये पनपते हैं, नहीं तो अन्यथा ये बीमारी, कोई भी बीमारी हमारी शरीर में पनपती नहीं। आप तो उदाहरण दूसरा भी, उस दिवस को विश्व होम्योपैथिक दिवस के रूप में मना रहे हैं और उस दिन मैं शहर के लगभग 10 चिकित्सकों को जो है अवार्ड भी दूंगा। वो हमारे बुजुर्ग चिकित्सक जो अपनी पूरी लाइफ होम्योपैथ के लिए समर्पित कर दिए हैं, उनका सम्मान किया जाएगा। और यह कार्यक्रम 12 बजे से, 10 तारीख को 12 बजे से होटल टेंपल टाउन में होने जा रहा है। सर, अगर कार्यक्रम और आयोजन की बात हो रही है तो अभी कुछ ही दिनों में G20 का एक आयोजन होने वाला है बनारस में, तमाम उसमें चिकित्सक डॉक्टर्स भी आएंगे और तमाम लोग आएंगे, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, इस चीज़ को आप कैसे देखते हैं? सर, ये तो हमारे लिए पॉजिटिव है, हम लोग ऐसे लोग आएंगे, हमारे शहर को देखेंगे, हमारे शहर के बारे में जानेंगे, हमारे बारे में, हमारे कल्चर के बारे में जानेंगे, तो हमारे बनारस का कल्चर, हमारे बनारस शहर के बारे में दूर तक संदेश जाएगा, एक अच्छा संदेश जाएगा। और यहाँ पे एक अच्छा कार्यक्रम चल भी रहा है, मोदी जी द्वारा हर जगह विकास का कार्य चल रहा है, लोग देखेंगे उसको जो है दूर तक।